बहुत समय पहले की बात है, एक औरत थी जिसका एक छोटा सा घर था। उस घर में उसके दो बच्चे अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, वह बाहर जा रही थी, तभी उसको अपने घर के सामने तीन रंग बिरंगे साधु दिखाई दिए। उनको देखकर वह कुछ भी बोली नहीं और चुपचाप जाने लगी। तभी उनमें से एक साधु ने बोला, क्या हमको आपके घर में खाना मिलेगा? वे बोली, क्यों नहीं, चले आप लोग अंदर, अभी मैं आती हूँ। तभी उनमें से एक साधु बोला, क्या आपके पति देव आपके घर में है? औरत ने बोला, नहीं है, अभी वह बाहर है, कुछ देर में आ जाएंगे। साधुओं ने बोला, जब आपके पति आएंगे तभी हम लोग आएंगे। औरत ने बोला, ठीक है। थोड़ी देर में उसका पति आ गया और उसने अपने पति को सारी कहानी बात बता दी। उसके पति ने बोला, जाओ अब बुला कर ले आओ। जब वे बाहर गई तो उसने उन साधुओं को बोला, बाबा आ जाओ खाना खाने, अब मेरे पति आ गए हैं। तभी उनमें से एक साधु ने बोला, बेटी हम तीनों एक साथ किसी भी घर में नहीं जाते हैं। औरत ये सुनकर वहीं रुक गई और बोली, ऐसा क्या है जो आप तीनों एक साथ घर में नहीं जाते हैं? फिर एक साधु ने बोला, मैं प्रेम हूँ और ये दोनों में एक धन था और एक सफलता है। हम तीनों में कोई भी किसी के घर में जब भी जाता है, उसके घर में वही चीज़ आ जाती है। औरत बहुत ही खुश हो गई और बोली, आप लोग यहीं रहो, मैं अपने पति से पूछ कर आती हूँ। वह दौड़ते हुए गई और अपने पति के पास गई, सारी बात बताई। तब पति ने बोला, धन वाले साधु को बुला लेते हैं। लेकिन पत्नी ने कहा, सफलता वाले साधु को बुला लेते हैं, सफलता मिल जाएगी तो धन अपने आप आ जाएगा। फिर दोनों में बहुत लंबी बहस के बाद सोचा, क्यों ना धन और सफलता दोनों को एक साथ बुला लें। इसके बाद वह औरत बाहर आई और बोली, हम धन और सफलता दोनों को एक साथ ले जाना चाहते हैं। ये बात सुनकर तीनों साधु मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा अब हम में से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग उनके घर कभी नहीं जाते जो लोग धन और सफलता को एक साथ बुलाते हैं। ये बात सुनकर उस औरत को बहुत ही अफसोस हुआ और उदास मन से घर में चली गई। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच में आकर कोई काम ना करें। अगर वह औरत प्रेम को घर में बुला लेती तो धन और सफलता दोनों उसके साथ अपने आप आ जाते। प्रेम से जो दुनिया को जीतता है वही सफलता पाता है। तो उसने क्या गलती करी? लालच कर दिया धन और सफलता के लिए, तो नहीं सोचा कि प्रेम से तो दुनिया को जीता जा सकता है।